कबूतर पकड़ने का शौक बच्चे की जान के लिए खतरा बन गया। 10 साल का बच्चा कबूतर पकड़ने के लिए गढ़ी शाहू में बिजली के खंभे पर चढ़ गया। पांव स्लिप होने पर बच्चा खंभे के साथ लटक गया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को खंभे से उतारा। ये वाकया कैसे पेश आया, इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। इरफान मलिक बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि ये गढ़ी शाहू का इलाका कब स्टोर है, जहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ जो एक बिजली का खंभा था उसके ऊपर बच्चा अपना कबूतर पकड़ने के लिए चढ़ा। और इतना अफसोसनाक ये सीन था और खौफनाक सीन था कि जब बच्चा उसके ऊपर चढ़ा तो इस दौरान उसका पाँव स्लिप हुआ और वो खंभे के साथ, बिजली के खंभे के साथ लटक गया। इस पर आपको बताएं कि बच्चे ने वहाँ पे ऊपर जब वो लटका तो उसके बाद उसने चीखों पुकार शुरू कर दी और जो मुकामी अफराद थे उनमें भी खौफ का अंसर जो है वो पैदा हो गया, क्योंकि वो बिजली का खंभा था इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा था इसको उतारने के लिए। बच्चा जो काफ़ी देर तक चीखों पुकार करता रहा, उसके बाद मुकामी अफराद में एक शख्स ने हिम्मत की और उसने जब ऊपर चढ़ा तो उसने बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद उसको ज़मीन पे उतारा गया, जिसके बाद बच्चा क्योंकि काफ़ी डरा हुआ था उसको जब मुकामी अफराद ने चेक किया तो उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। और पुलिस जो मुकामी अफराद हैं उनके मुताबिक रेस्क्यू 112 को बुलाया गया, जिसने आके उसको तिब्बी इमदाद दी, लेकिन बच्चा जो है वो खैर आफियत से था, उसको किसी जगह के ऊपर भी कुछ शदीद चोटें नहीं आई थी। लेकिन ये वाकया जब है ये 15 से 20 मिनट तक ये बच्चा जो है वो उस खंभे के ऊपर लटका रहा, जिसकी वजह से उसकी चीखों पुकार भी सुनते रहे मुकामी लोग और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर इकट्ठी होगी, क्योंकि बिजली का खंभा था इस वजह से डर की वजह से कोई करीब भी नहीं जा रहा था। और एक शख्स ने फिर इसके बाद हिम्मत की और उसने इस बच्चे को खंभे से उतारा। जी अच्छा, तो इरफान मलिक इस बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है, क्योंकि इमदादी टीम ने कार्रवाई तो की है और उसको इमदाद भी दी है, तिबी इमदाद इनिशियली, लेकिन उसको क्या अस्पताल लेकर जाया गया है? आपको बताया कि जब वो इस बच्चे को खंभे से उतारा गया तो उसके बाद इस बच्चे को जो मुकामी अफराद थे वो चेक करते रहे, बच्चा काफ़ी डरा हुआ था और चीखों पुकार भी कर रहा था। उसको उन्होंने अपनी तौर पे तिब्बी मुआयना उसका किया तो उसको कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई थी जो वाज़ह तौर पे नज़र आ रही हों, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू 112 को कॉल की गई थी, जिसने रेस्क्यू 112 ने आके उसको तिब्बी इमदाद दी और रेस्क्यू के मुताबिक इस बच्चे की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर थी और उसको जो उसके अहले खाना के हवाले किया गया। और उसमें जो अहले खाना थे उनका ये कहना था कि उनको मालूम नहीं था कि उनका बच्चा जो है वो अचानक घर से गायब हो गया था, और लेकिन उनको जब मकामी अफराद ने बच्चे की चीखों पुकार सुनी, शोर शराबा सुना, तो उसके बाद पूरे इलाके में क्योंकि ये खौफ फैल गया कि बच्चा एक जो है वो लटक रहा है खंभे के साथ, तो जितने खौफनाक मनाजिर थे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकती हैं उससे काफ़ी लोगों के अंदर जो है खौफ फैला। और उसके घर पर जब बात पहुंची तो वो तब पहुंचे जब बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया था और बच्चे को नीचे उतार लिया गया था, और उनका कहना है कि बच्चे की हालत बेहतर है और उसको कुछ ज़्यादा जो शदीद चोटें नहीं आई। जी ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं लेकिन वो काफ़ी डर चुका है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने हैं, कबूतर पकड़ने का शौक़ बच्चे की जान के लिए ख़तरा बन गया है। और ये 10 साल का बच्चा था जो कि कबूतर पकड़ने के लिए गढ़ी शाहू में बिजली के खंभे पर चढ़ दौड़ा और पाँव स्लिप होने पर बच्चा खंभे के साथ ही लटक गया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत बच्चे को खंभे से उतारा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर पहुँची है। और आपको बताएं कि इमदादी जो कार्रवाई है वो उन्होंने की है। पाँव स्लिप होने पर बच्चा खंभे के साथ लटक गया। मुकामी अफराद ने अपने मदद आपके तहत बच्चे को खंभे से उतारा है। कबूतर पकड़ने का शौक़ बच्चे की जान के लिए ख़तरा बन गया और बाद में माँ बाप भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि बच्चा जो था वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं लगी और बच्चा ख़तरे से बाहर है, यही बताया जा रहा है। पाँव स्लिप होने पर बच्चा खंभे के साथ लटक गया और मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत ही बच्चे को खंभे से उतारा।